गुड मॉर्निंग मैम, आज मेरे को चौकोर क्वेश्चन बनाना है, प्लीज मेजरमेंट बता दीजिए। अच्छा, चौकोर क्वेश्चन बना रहे हैं, क्लास में आ जा। कपड़ा कितना लाए हैं? 1 मीटर। अच्छा, ये कुशन वाला कपड़ा है ना? हाँ। तो चौकोर कुशन के लिए आपको कपड़े की 2 पीस में कटिंग करेंगे, चौड़ाई 18 इंच लेंगे और लंबाई 16 रखेंगे 2 पीस में। 18 बाई 16 का आपका चौकोर कुशन बनेगा। और पट्टी की लंबाई लीजिए 70 इंच रखेंगे पट्टी की लंबाई, और चौड़ाई पट्टी की 5 इंच कटिंग कीजिए। चलिए ना, आप लीजिए पहले। हमारे मैम के चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, थैंक यू। हाँ, चलिए इसका नाप लीजिए। ये पट्टी आप काटे हैं, लंबाई की 70 लिए हैं और चौड़ाई कितना लिए हैं पट्टी की? 5 मीटर इंच है ना? इंच। हाँ, और वो 70 है लंबाई में 70। और ये जो 2 पीस आप काटे हैं इसका बताइए, इस ये 16 बाई 18 का लिए हैं? हाँ, 2 पीस काटे ना उसका? हाँ, 2 पीस। हाँ, और ये इसकी लंबाई पूरा 70, ये चारों तरफ लगेगा चौकोर कुशन में। हाँ, चलिए कटिंग। 1 पीस और है, अब आप ये कुशन वाला कपड़ा है ना? हाँ। चलिए इसकी अब आप मैचिंग धागे से सिलाई करना है। रुकिए रुकिए, ये जो पट्टी काटे हैं 70 इंच लंबी है वो पट्टी है, और नीचे ये चौकोर कपड़ा 2 पीस में जो काटे, तो इसके चारों तरफ इसका एक सिरा ये सिलाई कीजिए, और ये जो दूसरा सिरा है ये दूसरा पीस जो है इस पे अटैच करके सिलना। हाँ, चलिए पूरा सिलाई कीजिए। इसका पट्टी का एक सिरा दूसरे चौकोर हिस्से में सिलना है। मैम, मेरा कुशन तीनों साइड से सिल चुका है, तो अब रुई भरूं? हाँ, भरिए इसमें 1/2 किलो। कुछ रफ रुई भी भरेंगे तब ये हार्ड होगा, इसमें रफ रुई भी डालना है, और ये वाला रुई भी भर दीजिए तभी कुशन हार्ड होगा। और उसका एक सिरा बचा है उसको सिलाई करेंगे। एक चीज इसमें बता दूं आपको, कुशन वाले सुई धागे से, कुशन वाले सुई धागे से पूरा रुई भरने के बाद 5 बार इसको टांकना है। हाँ, उस सिरा को तो मशीन से भी सिलाई कर सकते हैं, सुई धागा से भी कर सकते हैं, लेकिन कुशन सिलने वाली सुई से 5 बार इसको बीच में टांकना है। हाँ, 5 बार टांक दीजिए इसको। हाँ, आपका कुशन तो बन गया है।